नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठि भगवान की जय। अनंता अनंत सिद्ध परमिष्ठि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की 26वीं कारिका को अब आज यहाँ देखेंगे। 25वीं कारिका में 8 प्रकार के मत के संबंध में चर्चा की थी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार करता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करके वह मान से युक्त हो जाता है, उसका सम्यक तो दूषित होता है। मान वही व्यक्ति करता है जिसने पुद्गल का ढेर इकट्ठा कर लिया हो। चैतन्य गुणों पर मान नहीं किया जाता। चैतन्य गुण अन्य गुणों के प्रकट करने में निमित्त बनते हैं, किंतु पौद्गलिक उपलब्धि भौतिक पदार्थों का संग्रह व्यक्ति जब उसका मूल्यांकन करता है अपनी चेतना के गुणों से ज़्यादा, तो उसमें अहंकार आता है और उसकी अपेक्षा से दूसरे को निम्न कोटि का मान करके उसका अपमान और तिरस्कार भी करता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं 26वीं कारिका में, स्मयेन योन्यान्तेति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्तेति धर्म महात्म्यम् न धर्मो धार्मिक बिना। आचार्य महोदय कह रहे हैं यहाँ पर, इस मयीन मद से युक्त होकर के यो जो कोई भी जीव अन्य अत्येति दूसरों का अपमान करता है, धर्म स्थान धर्म के स्थान पर गर्विताशय घमंड से युक्त होता हुआ अंदर में घमंड को छुपा करके, सो अत्येति वह व्यक्ति अपमान करता है धर्म आत्मीयम अपने आत्मीय धर्म का ही अपमान करता है। क्योंकि न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्मा के बिना कहीं धर्म ठहरता नहीं है। जैसे उष्णता अग्नि में अग्नित्व पाया जाता है, दाहकुण पाया जाता है, उष्णता पाई जाती है, जल में शीतलता पाई जाती है, जैसी हवा का स्वभाव गतिशीलपना है, मिष्ठान मीठे जो भी पदार्थ हैं गुड़ शक्कर बूरा मिश्री आदि उनमें मिठास गुण पाया जाता है, मिर्ची आदि में चरपरापन, नीम आदि में कड़वापन, ये उस पदार्थ के तत्व हैं, स्वभाव हैं, धर्म हैं। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, वही व्यक्ति बाह्य पदार्थों को प्राप्त करके अहंकार से फूल जाते हैं और अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। प्राय करके वर्तमान काल में देखा जाता है, कोई व्यक्ति धन से किसी से आगे है तो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, दूसरे को तुच्छ। किसी व्यक्ति के पास शब्द ज्ञान ज्यादा है तो से अहंकार करता है, किसी के पास रूप है, किसी के पास तप है, किसी के पास पद प्रतिष्ठा है, किसी के पास राज्य वैभव है, तो कोई अपने आप को उच्च कुलीन होने के कारण, उच्च जाति का होने के कारण अहंकार करता है।
ये सब शरीरगत अवस्थाएं हैं। आत्मा स्वभावतः न उच्च है न नीच है। आत्मा में शब्दों का कोई काम नहीं, सिद्ध परमिष्टि शब्द ज्ञान से रहित हैं। आत्मा स्वयं के वैभव से ही समर्थ है, पुद्गल के वैभव से कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनी। पूजा और प्रतिष्ठा संसार की दशा में जिस किसी को भी प्राप्त हुई है वह शाश्वत नहीं रही आत्मा के वैभव प्राप्त किए बिना। और जिसने आत्मा का वैभव प्राप्त कर लिया उसकी पूज्यता बरकरार है, पुद्गल के वैभव से नहीं। आज पुण्य के उदय से कोई उपलब्धि की, कल वह नष्ट भी हो सकती है। इसलिए आप धर्मात्मा जन, श्रावक जन, साधनवी बंधु, चाहे श्रवण चतुर्थ संघ के जो चार मुख्य स्तंभ हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों को आपस में बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ रहना चाहिए। एक मुनिराज यदि दूसरे मुनिराज का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो वह मुनिराज का अपमान नहीं कर रहे, धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। यदि कोई एक आर्यिका दूसरे आर्यिका की निंदा करती है, अपमान करती है, तिरस्कार करती है, तो वह आर्यिका भी किसी अन्य की नहीं, अपनी ही, अपने धर्म की, आत्मा के गुणों की निंदा करती है। यदि कोई श्रावक या श्राविका आपस में एक दूसरे का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, तो वे नहीं जानते कि हम अपने ही धर्म को निंदित कर रहे हैं। धर्म धर्मात्मा के अंदर होता है, किंतु व्यक्ति जब अहंकार से युक्त होता है तो उसमें धर्म का भाव लुप्त हो जाता है। तब अहंकार से युक्त होता है तो उसका अंदर का चित्त भी अहंकार से कठोर हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कई बार व्यक्ति जनाले में पूजा भक्ति करने वाले गरीब व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई पैसे वाले भी हो सकते हैं, तो अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो निर्धन भी हैं उनका ख्याल रखे, उनके धर्म में सहयोगी बने। जिनके पास शब्द ज्ञान है उनका कर्तव्य है वे अल्प ज्ञानियों की सहायता करें, उनका तिरस्कार न करें, हीन दृष्टि से या जघन्य दृष्टि से न देखें। जिसके पास धर्म की सेवा करने का सामर्थ्य है वह धर्म की सेवा करे, किंतु किसी का अपमान तिरस्कार न करे। प्राय करके व्यक्ति संसार के क्रियाओं में, संसार के कार्यों में संलग्न रहता हुआ तो राग द्वेष लिप्त रहता है, कभी निंदा करता प्रशंसा करता है। वहाँ किसी की निंदा प्रशंसा करने से उतने कर्म का आसव बंद नहीं होगा, किंतु धर्म के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी निंदा करने से, उनका अपमान तिरस्कार करने से निस्संदेह तीव्र पाप कर्म का बंद होगा। और जो इस प्रकार से तिरस्कार करता है वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है तो समझना चाहिए उसने भी धर्म के मर्म को समझा नहीं। धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता, धर्म तो ये बताता है प्रत्येक भव्य आत्मा परमात्मा बन सकता है। धर्म तो ये बताता है कब किस आत्मा में पुण्य का उदय आ जाए, कब किस आत्मा में पाप का उदय आ जाए। तो पाप के उदय में दुखी नहीं होना, क्योंकि पाप भी शाश्वत नहीं है। पाप के उदय में आंसू नहीं बहाना, क्योंकि पाप का उदय शाश्वत नहीं है। पाप के उदय में अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं, अपने कर्तव्य का, नियम का, संयम का, धर्म का पालन करना, क्योंकि धर्म शाश्वत है, पाप का उदय शाश्वत नहीं है। और पुण्य का उदय आ जाए तो कभी इतराना नहीं, अपने कर्तव्यों को भूल नहीं जाना। पुण्य का उदय आ जाए तो साधर्मी की ओर निह दृष्टि रखना, उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि धर्मात्मा धर्मात्मा के साथ रहकर के आनंद का अनुभव करता है। जिसे धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं सुहाता है तो समझो वह धर्मात्मा है ही नहीं। दूध में दूध मिल जाता है, पानी में पानी मिल जाता है,
और भी कोई पेय पदार्थ उसमें सब मिल जाता है, किंतु उसका विरोधी तत्व होता है तो नहीं मिल पाता। इसी तरह से धर्मात्मा एक साथ यदि 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 करोड़ भी होंगे तो मिल जाएंगे, किंतु विधर्मी उसमें नहीं मिल पाएगा। गाय के दूध में गाय का दूध मिलाया जा सकता है, आंकड़े का दूध नहीं। ऐसे ही हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, सोना भी पीला होता है, पीतल भी पीली होती है, पर दोनों को एक नहीं कर सकते। यदि सोने में जो मिल जाए तो सोना है, और जो न मिल पाए तो पीतल है। धर्मात्मा में जो मिल जाए वह धर्मात्मा है, न मिल पाए वह धर्म से रहित है। हर सफ़ेद वस्तु चांदी नहीं होती, लोहा भी सफ़ेद होता है, लेड भी सफ़ेद होता है, चांदी भी सफ़ेद होती है, और दूर से देखो तो सीप चमकती हुई भी सफ़ेद दिखाई देती है, किंतु उसकी चमक को देख करके कोई व्यक्ति कहे ये सब चांदी है तो ऐसा नहीं हो सकता। चांदी अपने आप में चांदी है, चांदी चांदी को तो अपने आप में समाहित कर सकती है, किंतु लोहे को वह अपने आप में मिक्स नहीं कर सकती। भगवान तीर्थंकर स्वामी के संभाषण में असंख्यात भव्य जीव होते हैं, देव, देवांगनाएं, चार प्रकार के देव, चार प्रकार की देवांगनाएं, मुनिराज, आरिका माता जी, शावक, शाविका, त्रंच, सब भव्य जीव, और बिना वैर विरोध के धर्म का श्रवण करते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने का उपक्रम करते हैं, रत्नत्रय को स्वीकार करते हैं। तो जिस किसी आत्मा में रत्नत्रय का वास है, उसके रत्नत्रय को देखो, बाहर की अवस्था को मत देखो। किसी कवि ने लिखा, जातन पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रेंदो म्यान। साधु को देख करके ये नहीं देखना ये साधु कैसा है, किसका शिष्य है, यह इसका शरीर छोटा है, बड़ा है, यह गौर वर्ण का है, श्याम वर्ण का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, तपस्या ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। उस साधु के अंदर की साधुता को देखना, ये नहीं देखना कि साधु तो हमारी जाति का था पहले, ये उस जाति का है, ये हमारे क्षेत्र का है, ये हमारे प्रांत का है, ये हमारे समुदाय का है, ये भेदभाव करने वाला व्यक्ति धर्म से अभी रहित है। जिसे धर्म दिखाई दे रहा है वह व्यक्ति ही धर्म का फल प्राप्त करता है, धर्म की प्रभावना करता है। जो आत्मा में धर्म को नहीं देख सकता, केवल शरीरों को देखता है, केवल शरीर के गुण दोष देखता है, शरीर की जाति देखता है, शरीर के नाम देखता है, शरीर का जहाँ जन्म हुआ क्षेत्र को देखता है, तुम्हारे क्षेत्र के, तो इसका आशय उसने अभी धर्म को नहीं जाना। एक बार अष्टावक्र विद्वानों की सभा में पहुंचे, उनका शरीर आठ जगह से वक्र था। अष्टावक्र को देख करके उपस्थित विद्वान ठाका मार करके हंसने लगे। अष्टावक्र को बड़ा खराब लगा, उन्होंने सभा में पहुंचकर मंच पर आसीन हुए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जनक मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने तो ये समझा था कि आपने जैसा निमंत्रण भेजा है कि विद्वत गोष्ठी होना है, विद्वानों की सभा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया, किंतु यहाँ आकर के मुझे बड़ा खेद होता है कि मैंने यानी कहाँ आ गया, ये तो मुझे विद्वानों की सभा दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है यह तो चर्मकारों की सभा है, चर्म का व्यापार करने वालों की सभा है, चर्म को ही देखने वालों की सभा है, इस सभा में धर्म के नित्य वाला तो कोई है ही नहीं। सभा के सभी विद्वतगण शर्मिंदा हुए कि निस्संदेह उन्होंने एक महान विद्वान का अपमान करके एक ज्ञान का ही अपमान किया है, धर्मात्मा का अपमान करके धर्म का अपमान किया है। उन्हें कहा कि यदि इनके अंदर धर्म होता तो दृष्टि मेरे शरीर के ऊपर नहीं होती, मेरे अंदर विद्यमान ज्ञान के ऊपर होती। ऐसे ही हम धर्म के क्षेत्र में कई बार व्यक्तियों को देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं, महाराज जी समाज में तो पैसे वालों का ही बोलबाला है, भावनाओं का कोई महत्व नहीं, किंतु जो सच्चा धर्मात्मा है
वह पैसे को कम महत्व देता है, भावनाओं को महत्व देता है। अरब खरब की संपदा उदय अस्तनो राज सम्यक बिन सब जानिए पत्थर भरे जहाज। जहाज में पत्थर भर दो तो पत्थरों से जहाज डूब जाता है। ऐसे ही जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, व्रत संयम आदि नहीं है, उसके पास प्रचुर संपत्ति विपुल संपत्ति भी प्राप्त हो जाए तो वह संपत्ति उसके लिए दुर्गति का कारण बन सकती है। धर्म से रहित व्यक्ति के पास जो भी साधन सामग्री आएगी वह उस साधन सामग्री का दुरुपयोग करके दुर्गति का पात्र बनेगा। इसलिए आचार्य महोदय कहते धर्म जब चित्त में होता है तो अमरचंद दीवान शीर को पिंजड़ी में जलेबी खिला सकते हैं। धर्म जब होता है तो ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे पुरुष गुप्त रूप में व्यक्ति की सहायता करते हैं। धर्म जब चित्त में होता है तब फिर व्यक्ति अननोन व्यक्ति की सहायता करता है। कोई रोड के किनारे पड़ा हो घायल तो वह उसकी रक्षा करता है, सहायता करता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो उसे छोड़ के आ जाते हैं कहीं हमारे ऊपर केस नहीं लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, भलाई का परिणाम हमेशा भला ही होता है, बुराई का बुरा होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ घटना घटित होने वाली है तो अपने ही पाप का फल मानिए। अच्छाई कभी बुरा फल नहीं देती। अंगूर की बेल पर कभी बबूल के कांटे नहीं लगते और बबूल के पेड़ पर कभी अंगूर के फल नहीं लगते। इसलिए जीवन में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, कभी किसी का भी अपमान मत करो। यही धर्मात्मा का लक्षण है। जो दूसरे का अपमान करता है कभी धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा के अंदर सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। उस व्यक्ति का अपमान किया जाना उस रत्नत्रय का अपमान है। इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करो, यहाँ तक कि सम्य दृष्टि का भी अपमान न करो और मिथ्या दृष्टि का भी अपमान मत करो। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है भविष्य में, कल परमात्मा बन सकता है, उसकी आत्मा में सिद्धत्व प्रकट हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मा के समान समस्त आत्मा को समझते हुए सबका उपकार करो, हित करो, प्रशंसा करो, गुणों के ग्राहक बनो, अपमान की प्रवृत्ति छोड़ो। यही धर्म का मर्म है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप सब लोग चेतना के स्वभाव को जाने, पुद्गल के स्वभाव में रंजयमान न हो और आत्मा की निधि को प्राप्त कर सकें, ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इन्हीं मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की।